हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। और माशाल्लाह से मैं भी अब थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही हूँ। मेरा गला अब ठीक हो रहा है, पहले से काफ़ी सुधार आ चुका है गले में। अभी हो गया मॉर्निंग का टाइम, तो यहाँ पे देखिए मैंने मटर वगैरह सारे चीज़ छील के रख दिए हैं। तो यहाँ पर मेरी मम्मी बना ली है आलू मसाला। आज बनेगा आलू बंडा। आप लोग क्या बोलते हैं, आलू चाप भी बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए मेरी मम्मी बना भी रही हैं आलू चाप। तो मेरा मन कर रहा था बहुत दिनों से कि मम्मी के हाथों का आलू चाप बनवाऊं, बहुत अच्छा बनाती हैं। तो फिर वही मेरी मम्मी आज बना रही हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए बन के हो चुका है कुछ रेडी। तो यहाँ पे एक बार जो डाली थी चार ठो, तो वो निकल चुका है, तो वही मैं आप सबको दिखा रही हूँ। और बहुत ही टेस्टी बना था, मैं बहुत खाई थी। और यहाँ पे मैं नाश्ता वगैरह करने के बाद फटाफट से नहा ली, नहा के और मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो देख लीजिए मैंने ये वाला सूट पहना हुआ है आज, और ठंडी गांव में बहुत ज़्यादा है तो मैं स्वेटर भी पहन ली हूँ। और अचानक से देखिए मैं कहाँ पहुँच चुकी हूँ, तो मैं आ चुकी हूँ अपने ससुराल में। तो यहाँ पर देखिए हरा मटर लगाए हैं, तो यहाँ पर देखिए खूब सारा फला है ये मटर। तो वही मेरे को बोले जाओ तोड़ लो खा लो, तो मैं वही तोड़ने आई थी देखने। तो ये देखिए मैं आप सबको दिखा रही हूँ, खूब सारा फला हुआ है। तो बहुत सारा खेती किए हैं। और इधर देखिए लहसुन की खेती हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा एरिया में लगाए हुए हैं। ये देखिए इधर लहसुन बहुत अच्छे से मतलब हो गया है, और उधर प्याज भी लगी हुई है मटर के साइड में। और कुछ प्याज का ये वाला गाछी जो होता है वो अभी है, इसे भी लगाएंगे। तो इधर लहसुन बहुत अच्छे से तैयार हो रहा है, मोटा मोटा पौधा है इसका। इसके बाद मैं आ चुकी हूँ अपने घर पे। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ चाय और ब्रेड। और यहाँ पे मैं आलू का सिंपल सा भुजिया बना रही हूँ, क्योंकि रात का दाल ढेर सारा बचा हुआ है मेरे यहाँ, और सब्जी भी बची हुई थी। तो सिर्फ चावल और रोटी बनाए हैं, और अभी मैं सिंपल सी आलू की भुजिया बना लेती हूँ, तो फिर हो जाएगा हम लोगों का दोपहर का खाना। और यहाँ पे दूध पक रहा था चूल्हे पे, तो उसे मैं ले जाके और रख रही हूँ ऊपर। यहाँ पे ऊपर रख देने से कोई चीज़ मतलब जूठा नहीं कर पाएगा, ऊपर रहेगा तो बिल्ली वगैरह है। तो यहाँ पे मैं ऊपर रख देती हूँ, इसके बाद फिर मैं लग जाऊँगी अपने कामों पे। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, पूरा गैस वैस उठा के उसके नीचे से अच्छे से मैं सारे तरफ को झाड़ू लगा लूँगी। इस टाइम पे गांव पे बहुत ज़्यादा ठंडी बढ़ चुकी है, तो स्वेटर साल मोजा ये सारी चीज़ें तो उतरती ही नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। और आपके साइड कैसा मौसम है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे मैं धुल रही हूँ बर्तन, तो बर्तन भी ढेर सारा है, मैं निकाल के इकट्ठा कर ली थी। इसके बाद मैं झाड़ू लगा रही थी, मैं सोची इकट्ठा कर लूँ बर्तन, फिर सारी चीज़ को समेट लूँ, इसके बाद झाड़ू लगाऊँगी बिस्तर वगैरह सारी चीज़ समेटने के बाद। तो यहाँ पर धोने लगी हूँ मैं बर्तन।
बर्तन उर्तन से फ्री होने के बाद मैं यहाँ पे बाथरूम को धुल रही हूँ, क्योंकि ओपन है ऊपर से तो हवा वगैरह चलती है, तो यहाँ पे पास पास में पेड़ पौधा है तो पत्ती वगैरह भी झड़ जाते हैं और कुछ डस्ट उस्ट गिर जाता है इधर से कचड़ा, तो वही मैं यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ। और इधर मैं दिखा रही हूँ आप सबको कि मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है, मैं सारे कामों से फ्री हो चुकी हूँ, झाड़ू बर्तन पोछा सारी चीज़ों से फ्री हो चुकी हूँ। अब मेरे को एक काम रह गया है प्रेस करना, तो वो मैं लगा लूँगी। और इधर वाला भी कमरा देखिए सारा कुछ सेट है, मतलब साफ़ है, सामान बहुत ज़्यादा है तो आपको मैसी मैसी लगेगा। तो यहाँ पे देखिए सारा रूम साफ़ कर चुकी हूँ मैं। हेलो फ्रेंड, तो अभी हो रहा है टाइम 12:30 का और मैं सारे कामों से फ्री हो चुकी हूँ। तो अभी कपड़े जो थे नए नए मेरे मम्मी के भी थे और मेरे भी जो धुल चुके हैं, तो वो मैं सोच रही थी आयरन करके और रख दूँ, फिर अभी कहीं जाना है तो वो तो आपको आगे आगे पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जाएंगे। तो वो सारे कपड़े मेरे को प्रेस आज लगाने हैं, तो ये देखिए यहाँ पे मैं निकाल के यहाँ पे रखी हूँ जो मेरे को प्रेस करना है। तो यही है, मैं सोचा चलिए आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और आज मेरी रिचार्ज भी ख़त्म हो चुकी थी, तो अभी मैं रिचार्ज कराई हूँ थोड़ी देर पहले, तो मेरे को वीडियो का एडिटिंग भी करना है और अपलोड भी करना है, देखिए कितना टाइम हो पाता है। तो चलिए फिर कर लेते हैं फटाफट से अपना काम, फिर मिलते हैं आप सबसे। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ प्रेस, ये है मेरी मम्मी का सूट, तो नया नया जो पहन के अभी गए थे, शादी में भी उस दिन गई हुई थी, तो वो सारा इनको टाइम मिलता नहीं है, ये प्रेस नहीं लगा पाती हैं, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है घर में। और गांव में जानते ही हैं कितना सारा काम होता है, स्कूल भी जाना रहता है फिर उसी में और घर का सारा काम। तो आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा फ्रेंड्स, अच्छा लगा होगा तो मेरी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।